सालासर जा रहे हो क्या? अभी तो कहाँ कहाँ से आए हो आप? सालासर तो आ जाओ भाई, यहाँ से एंट्री करेंगे और आपको दर्शन कराते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अपन है ट्रिप पे। अगर आपने पहले की सीरीज नहीं देखी है तो पहले वो देखो, तब आपको समझ आया कि भाई अपन सुबह निकले थे ऑफ रोडिंग करते हुए, फिर अपना मन बन गया कि भाई सालासर के मंदिर जाएं और हनुमान जी के दर्शन लें, तो अपन ने सोचा फिर चलते हैं और फिर उसी के कंटिन्यूशन में ये व्लॉग है। तब आपको समझ आया क्योंकि एक दिन में दो दो व्लॉग बन रहे हैं तो आप हौच पौच हो जाओगे, तो वो देखना। फिर अपन व्लॉग कंटिन्यू करते हैं ऑफ रोडिंग के बाद क्या क्या हुआ हमारे से। ये देखो अभी एयर फिल्टर क्लीन कर रहे हैं, ये देखो इमरजेंसी में एयर फिल्टर कैसे क्लीन करें। तो कौन सी गाड़ी का एयर फिल्टर डॉक्टर साहब? आईएलएक्स का ही है। नाइस। तो ऐसे एक्चुअली क्या है, ऑफ रोडिंग जब करते हैं ना तो एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिससे मेरी अभी गाड़ी में इंजन लाइट आ रखी है। देखो इंजन लाइट आ रखी है, तो अभी जैसे एयर फिल्टर क्लीन करूंगा ये चली जाएगी। स्टिकर लगा दिया अभी अपन ने थार पे। ये एचजेसी का मतलब क्या है? जो अभी अपन ने ऑफ रोडिंग करी है ये एचजेसी का ही सारे मेंबर्स है, हरियाणा जीप क्लब्स। तो भाई किसी को भाई ज्वाइन करना हो इस साइड का है तो कोई भी मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री एंट्री? फ्री एंट्री। अच्छा, पैसे कमाने के लिए नहीं है क्या? पैसे कमाने के लिए फन नहीं मिलता ना पैसों से। तेरी का ये बात तो डॉक्टर साहब ने गजब बोल दी। तो भाई ज्वाइन करो और आओ हमारी तरह ऑफ रोडिंग करो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे बंदे हैं और सबको बढ़िया ऑफ रोडिंग कराएंगे। बाकी फिर ये मिलेंगे आपको, ये गाड़ी तुम्हारी तोड़वाने में हेल्प करेंगे। तो भाई अभी अपन निकल गए थे सालासर बालाजी के लिए। यहाँ पे बहुत मान्यता है, मेरा ना सर फट रहा है भाई, व्लॉगिंग हो नहीं रही ना, मेरी आवाज निकल रही है। हाँ गाइस, इतनी गर्मी है ना, हर दो मिनट में गला सूख रहा है मेरा, और पानी पी पी के ना मेरा पेट फूल गया, पिया भी नहीं जा रहा पानी, पेट में धरा हुआ है सब, लेकिन फिर भी गला सूख रहा है। तो भाई ये बीकानेर जा रहा रास्ता और हम जा रहे हैं सीधा एकदम। भाई बहुत ही गर्मी है, एसी भी एकदम इसका चिल्ड सा नहीं लग रहा है ना। ये देखो ये पूरा मैप आया, ये देखो किशनगढ़ यहाँ से 350 किलोमीटर, रतनगढ़ 115 किलोमीटर। वो भाई पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और हम चलते जा रहे हैं भाई। अब देखते हैं भाई कितनी देर है। डॉक्टर साहब ने बोला है 100 पे चलानी है, तो 100 पे चला रही है, मैं तो सो रहा हूँ। हाँ देखो भाई, कम से कम नाना करते हुए 100-150 बंदा देख लिया मैंने, इतनी भाई चेक थी गर्मी में, और पूरे झंडे लेते हुए देखो ये बंदा जा रहा है। इनसे पूछते हैं, बात करते हैं भाई, ये भी सालासर जा रहे हैं। हाँ भाई साहब, सालासर जा रहे हो क्या आप भी? तो कहाँ कहाँ से आए हो आप? ये कितनी दूर है? 400 और कब से चले हुए हो? परसों रात को। क्या बात, अच्छा वो चीज है। 60 घंटे में पूरा हो गया। अच्छा, तो मन्नत वन्नत मांगी होगी? हर साल आते हो? चलो जी आराम से जाना। सो गाइस, यहाँ भी शांति पीठ बना हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे अगर एक्सप्लोर करो तो। ये रतनगढ़ आ गए हैं अपन, ये देखो अब आगे चलते हैं। ये रतनगढ़ गांव पड़ता है सालासर पास। ये यार तुम अलग हो। ये आ गया है रतन महल। तो भाई अभी अपन रेस्टोरेंट में बैठे थे और यहाँ पे कुछ खा पी रहे हैं, थोड़ा सा थक गए बहुत ज़्यादा। मैं तो थोड़ा मतलब नींद तो आई नहीं, बट जबकि अब की ले ली हल्की फुल्की सी। यार मैं सोया नहीं, बस आँख बंद करके लेटा रहा हूँ, और डर लग रहा था कि कब सोते सोते ना निकल जाऊँ। खराटे आए मारे? सही बताओ, सही में खराटे मार रहा था। तो भाई अभी अपन जिस रिजॉर्ट में आए थे भाई, ये देखो कितना सुंदर है। यहाँ रूम्स भी है क्या? रूम्स है? ये देखो रूम से सामने भाई महाराजा बना रखा है पूरा स्विमिंग के लिए। देखो ये राजस्थान यार, यहाँ की ड्रेस देखो भाई, और यहाँ के टेम्पू देखो बहुत अजीब से लगे, चोचीले से टेम्पू हैं इसके, और पीछे भी सीट है देखना। नहीं आया नहीं हूँ मैं, लोगों को बता रहा हूँ, मैं तो दुनिया घूमाऊ गया। मेरी तो छोड़ो, लाडली लाडली मेरी छोड़ो। ये देखो पत्ते खेल रहे लोग। तेरी क्या ड्राइव हो रही है भाई, इवनिंग की ड्राइव भाई, मजा आ गया इस सफर पे मेरे को। कितना पुराना कुआं, और देखो अभी तक हनुमान जी का झंडा है। ये पुराना कुआं है, जाके देखें। अरे नहीं आएगा, हाथ है तेरी उड़िया।
मेरे से कम है लेकिन। फ्लोर कितना सुंदर है ये। कलर देखना भाई मनीषा इसका। भाई अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ जगह जगह ना ये बने हुए हैं। ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस डॉक्टर साहब? ये कुआं है। हाँ। यानी कि यहाँ पे ना तो ग्राउंड वाटर है ना कोई पानी की पाइपलाइन का सिस्टम होता है। तो जो भी राहगीरी है या ये गांव वाले हैं इनको पानी पीने के लिए ना इसी का सहारा लेते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें पानी कहाँ से आता है। तो पानी है, बारिश होती है तो ये सराउंडिंग ये साफ करके छोड़ के रखते हैं। जैसे बारिश हुई इसका सारा बारिश का पानी इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। हाँ, इस छेद से अंदर घुस जाता है और ये ढलान सी बना रखी है। और ये अमूमन जो कुएं हैं ये जिप्सम से बने होते हैं अंदर। तो इसमें एक तो वाटर कभी पानी है जो कभी भी डिसइंफेक्टेड नहीं हो रहता। ये इन्फेक्टेड नहीं रहता, वो एक उसको उसकी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखता है। सेकेंडली वो पानी ठंडा रहता है गर्मी में। समझिएगा तो ये चीज़ें। और दूसरा ऊपर से ये देखो, ये टैंक आप देख सकते हो, ऊपर से खोल के ताला चाबी से और पानी निकाल लेते हैं। yes, yes. देख रहा था ये जो राजस्थान की रोड है ना भाई, बड़ी चिकनी है यार। ओ देखो यहाँ जगह जगह मोर है मनीषा, ये देखो ये बागरा कितना सही लग रहा है ना। तो भाई ये देखो भाई, यहाँ के लोग बड़े स्वीट है, साफ सफाई देखो भाई। राजस्थान मेरा सबसे फेवरेट स्टेट है भाई। मैं राजस्थान ही हूँ ना, मतलब कोटा में पैदा हुआ था, हूँ तो नहीं खैर वैसे तो। ठीक है डॉक्टर साहब। ओ तेरी ओ गाय भाई, यहाँ का पहनावा देखो भाई। ये देखो भाई, ये धर्मशाला है अपनी। अहलाबाद की है। तो भाई गेट पे अपने वो सब्सक्राइबर मिल गया, कह रहा भैया मैं आप यहाँ कैसे, मैंने बस दर्शन करने आया। तो कह रहा मेरी बहन की शादी आप आना। मैंने ठीक है बेटा। A few moments later. अभी हमने धर्मशाला ली थी, 5 मिनट में हम नहा धो के आ गए, जो कि मंदिर हम दर्शन करके मतलब तो क्योंकि मंदिर अपने को नहा धो के जाना था। शादी हो रही है, ये अपने सब्सक्राइबर की है, इसने इनवाइट भी करा था अभी कि आ जाना। तो भाई अभी अपन आ गए हैं मंदिर, गाड़ी अपन ने आधी किलोमीटर पहले खड़ी करी है। इस मंदिर की बहुत तगड़ी मान्यता है, चप्पल उतारते हैं अभी। तो भाई ये देखो सारे झंडे वंडे लेके डॉक्टर साहब यहीं आते हैं। देखो बहुत पुराना मंदिर है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर से ही समझ गए होंगे। सो गाइस ये मेन गेट है डॉक्टर साहब, तो आ जाओ भाई यहाँ से एंट्री करेंगे और आपको दर्शन कराते हैं। तो भाई अभी अपन ने ले लिया है प्रसाद। प्रसाद बांट रहा है? अरे लो जी, थैंक यू जी, बट दर्शन नहीं करे, अंदर ले जा सकता हूँ? चलो। वो भाई नया जोड़ा है भाई, आपके अभी शादी हुई है तो यहाँ मंदिर आते हैं। यहाँ पे है राजस्थान में पता है क्या? अच्छा कब हुई शादी? अरे वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ सब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं देखो। सो गाइस यहाँ पे जितने भी नए बच्चे आते हैं ना, मतलब जो अभी अभी पैदा हुए उनका मुंडन होता है यहाँ पे। देखो भाई मुंडन इसी जगह होता है क्या? जुड़ू क्या जुड़ूले मुंडन। अच्छा अच्छा, सबसे पुराना कितना पुराना होगा? 200-250 साल पुराना होगा। और तुम कब से मतलब ये मुंडन कर रहे हो? तो पीढ़ी बाई पीढ़ी चलते हैं। अरे वाह, तो यहाँ से पेपर मिल रहा है। ये बबूती यहाँ के, इसकी ये बबूती है जो जल्दी रहती हुई दुई। लो ये आपके। अपन ने सालासर बालाजी महाराज के अभी दर्शन करे, VIP दर्शन करे। तो ये पंडित जी हैं, सबसे पहले थैंक यू पंडित जी आपके, हम बहुत दूर से आए, आपने मेरे बहुत अच्छे दर्शन कराए। तो गाइज ये जो मंदिर है इनके पंडित जी हैं, तो पंडित जी पहले अपने बारे में बताओ कुछ। मेरा नाम है रघुवीर पुजारी, मैं यहाँ मंदिर का पुजारी हूँ। और यहाँ मोहनदास जी महाराज हैं, वो हमारे मामा जी थे। अच्छा, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज यहाँ विराजमान। तो आप इनकी हिस्ट्री बताओ कि ये कैसे मंदिर बना, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? ये हुआ कि हमारी दादी जी थी कानी बाई, उनके पति का स्वर्गवास हो गया जब उनके 5 साल का लड़का था। ये खेती करते थे और सीताराम हनुमान की माला करते थे। उससे क्या हनुमान जी प्रसन्न हो गए और वो हमारे मामा जी मोहनदास जी महाराज को दर्शन देते थे। और चक्कर में क्या कि मोहनदास जी महाराज को उन्होंने दर्शन दिया तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और बोला कि आपको यहीं विराजमान है। उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि आप मूर्ति लेके आओ। मोहनदास जी ने कहा मेरे को तो इतना पता नहीं कि मूर्ति कहाँ बनती है, क्योंकि तो आप ही आओ। अच्छा, यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है अशोटा गांव, वहाँ ये मूर्ति निकली थी। अच्छा, और वहाँ से बैलगाड़ी में होके यहाँ विराजमान। तो कौन से सन की बात है, कितने साल पुरानी? 1811 ईस्वी है।
अच्छा, तो ये जो बैलगाड़ी थी वो बाहर अभी भी गेट पे खड़ी है? अब 275 साल हो गए मंदिर के स्थापित हुए। अच्छा। और ये जो धुना है वो मंदिर से पहले था, यहीं बैठ के मोहनदास जी महाराज तपस्या करते थे। और यहाँ समाधि है मोहनदास जी महाराज की, उन्होंने जीवित समाधि ली थी और वो बाल ब्रह्मचारी थी। वृक्ष है, इनमें लोग नारियल बांध रहे हैं, तो ये अपनी मनोकामना के लिए बांधते हैं। अच्छा। जैसे कि सबसे पहले जब ये मंदिर बना था उस टाइम में यहाँ जुलियासर गांव है, उसके कोई राजा था, उसके लड़का नहीं था, तो उन्होंने यहाँ बालाजी के आके दर्शन किया और नारियल बांधा कि मेरे लड़का होगा तो मैं आपके 5 रुपये चलाऊँगा। तो ये मंदिर 5 रुपये में बना हुआ। अच्छा, उस टाइम में जो अच्छा, तो मतलब जो भी चीज़ के मनोकामना के लिए यहाँ नारियल बांधा जाता है। यहाँ बालाजी आप अपने जैसे पिता से कुछ मांगते हैं वैसे बालाजी से यहाँ मांगा जाता है, तो मुराद सबकी पूरी होती है आपके यहाँ। ये नहीं है कि आप ये करो वो करो, ये कोई सिस्टम नहीं है। आप उसने जैसे दर्शन किए दर्शन मिल और अपनी जो भी मनोकामना आप बालाजी को सुनो। उसमें कहते हैं पूरे इंडिया में यहाँ पे जो हनुमान जी है उनकी जो चित्र है उनमें मूछ और दाढ़ी है, तो उसके पीछे क्या है? ये इसलिए है कि मोहनदास जी महाराज थे हमारे मामा जी, उनको साधु के रूप में हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, तो उन्होंने ये साधु के रूप में विराजित किए। अच्छा। भांजे थे वे राम जी, उनके 2 पुत्र हुए ईश्वरदास जी और कंजराम जी, तो ये दोनों परिवार ही पूजा करते हैं। तो आप कौन से परिवार के हो? मैं ईश्वरदास जी परिवार में हूँ, दूसरा परिवार है कंजराम जी। अच्छा, तो आप वैसे कौन सी पीढ़ी हो गए? अगर मैं 9वीं पीढ़ी। 9वीं पीढ़ी में एक बालाजी का मंदिर है, वहाँ भूत आते हैं लोगों का, मतलब जो ऐसा होता है, तो यहाँ भी ऐसा होता है कुछ? यहाँ कुछ नहीं है, ये सिस्टम है ही नहीं यहाँ। यहाँ का यहाँ भूत विचार निकट नहीं आया, महावीर जब नाम सुना बालाजी का, यहाँ का तो नाम सुनाते ही भूत इस एरिया में ही नहीं आता। अगर किसी यहाँ छाया भी नहीं आती, कोई बोलते हैं कि हनुमान जी की छाया आती है, किसी में नहीं आती। मैं कोई भूत विचार का कुछ भी नहीं। आ जाओ जब आपको समाधि दिखा रहा हूँ जो पंडित जी बोल रहे थे, दादी। अच्छा, दादी जी की। तो ये देखो, ये है समाधि और ये है जो हमारे बालाजी महाराज जो है। घंटे खाने की बात है। बट भाई डॉक्टर साहब को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, अगर ये नहीं होते तो गाइस अपनी सीरीज देखो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। भगवान ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है, इन छोटे भाइयों के साथ हमें आज मेरा और फर्ज बढ़ गया है। मुझे अब पहले मैं अकेला अपने आप के लिए देखता था, अब इन दोनों के लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, अब अपने को निकलना है जयपुर। यहाँ से जयपुर है करीब 3 से 4 घंटे का रास्ता और कल अपना मीटअप है, तो उसकी तैयारी करनी है। और बाइक का तो कुछ पता ही नहीं आया उस जगह क्या करेंगे। राजस्थानी ड्रेस, मनीषा तुम भी राजस्थानी हो ना, तुम क्यों नहीं पहनते ऐसे कपड़े? राजस्थानी है क्या बोलते हैं इस ड्रेस को, पूछना। घाघरा लुगड़ी। घाघरा घाघरा लुगड़ी घाघरा लुगड़ी बढ़िया लगती है, लेकिन यार तुम भी ऐसी पहना करो, जीन्स टी शर्टों में सही लगती। मतलब मैं कभी मेरे घर में शादी हुई ना, मैं तैयार नेक्स्ट मतलब राजस्थानी वाला गेटअप होने वाली हूँ, तो मैं दिखाऊंगी। तो अभी अपन थे तेरी फुल लेडी का गाड़ी की आ गई, तो अभी अपन आए अंजनी माता मंदिर में। डॉक्टर साहब हमेशा जूते पहनते, मैं इसलिए चप्पल पहन के आता हूँ, कहीं भी मैं तो गाड़ी में उतारी है। क्यों कभी कोई ऐसी जगह हो जाए जहाँ बात तो सही बोल रहे हो, भागने का सौदा रहता है ना वो तो दड़ा दो। ये देखो 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 ये देखो उड़ जाओ, ये देखो। मैं तो कह रहा हूँ देखो सुनो, अंजनी माता कौन थी आप बता दो फिर है। ब्राह्मण तो आप ही है? ब्राह्मण तो मैं भी हूँ भाई, क्यों तो ब्राह्मण है। करती क्या थी बाबूजी, हमको क्या पता नहीं करते थे। बताओ ये मंदिर में रहते हैं, यही नहीं पता भाई यार, हम दूर से हमें यही पता। देखो एक और लॉजिक समझ नहीं आता, ये दोनों हाथ में बच्चा ले लेके क्यों मांग रही हैं पैसे? ये देखो बच्चों से हैं, ये देखो। जाओ जाओ आप जाओ, नहीं ले रहा हूँ मैं बात, इनके हाथ में बच्चा है, वो देखो पीछे भी बच्चा लेके घूम। अरे लग जाएगी बच्चा लेके, यहाँ भी बच्चे के साथ वहाँ भी बच्चे के साथ। खाना बोल दो, ज़्यादा भूख नहीं। तो गाइस अभी अपन बहुत ज़्यादा थक गए हैं ट्रैवलिंग कर करके, बट यहाँ अपन खाने के लिए रुके हैं। यहाँ पे अलग ही कॉन्सेप्ट देखा है डॉक्टर साहब ने, स्पेशली यहाँ पे ढाबे पे रुका है। तो जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ ना कलरफुल ढाबे हैं, ये देखो चारों तरफ कलरफुल, और ये भी ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब ये क्या? ये आप अभी सीकर बाईपास पे हैं। हाँ। और ये अब अपन टूवर जयपुर जा ही रहे हैं रात में। फैमिली ढाबा है इसके अंदर। आपका भी दो भाइयों का ढाबा है,
क्या नाम है ढाबे का? सेठ सांवरिया होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट। यार बड़ा छोटा है नाम है। सांगरिया ये राजस्थान की स्पेशल डिश है। राजस्थानी क्या सांगरी, और वो है गट्टा मसाला राजस्थान। हाँ ये भी राजस्थान का है गट्टा मसाला, मेरी मम्मी बनाती है। सांगरी क्या हुए भाई, कहाँ से लाते हो सब्जी तोड़ के? जो अपनी खेजड़ी होती है ना खेजड़ी, ये भी नहीं पता जो हिंदी में बताओ। जो एक यहाँ का वृक्ष होता है, वृक्ष हाँ उसका फल होता है, वृक्ष का फल। तो ये रेगिस्तान में उगती है? हाँ समझ गया, वो जो ड्यून्स में जो आते हैं। यस यस, जो मैं आपको बता रहा है खेजड़ी का, हाँ परमिशन काट नहीं सकते। हाँ वो उसी की सब्जी है, फल है इसका। भाई प्याज काट कटवा दो। लेकिन भाई पूरी टैनी सी लग रही है मेरी, अच्छी है। तो भैया टोली फ्री करा दिया डॉक्टर साहब ने, अलग ही कैडी बातचीत चल रही है। टीचे टोल फ्री करा दिया भाई डॉक्टर साहब, हर जगह बातचीत है पूरे। 50 रुपए दो। 60 रुपए का था। तुम क्या चिप्स चिप्स कर रही है? लो बदले देंगे। तो डॉक्टर साहब ये जो है ना, ये बहुत बड़ी पहचान है, मतलब पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम है। अब खुल के तो देखो मैं बता नहीं सकता इनके बारे में क्या है, बट हल्का फुल्का हंसी मजाक और एक बताना बनता है कि हाँ जिनके साथ अपन घूम रहे हैं। हाँ एक अच्छा सो गया, मैं तो सो गया था, मेरे को इतनी नींद आ रही है भयंकर भाई, 2 दिन का जगा हूँ, मुझे बुला भी नहीं आ रहा भाई इतनी लोगों ने आज। तो तुम्हें भी नींद आ रही है? मैं बस जैसे तैसे लेकर जो आई हूँ। तो अभी फिलहाल हम अपन पहुँच गए हैं भाई जयपुर, और जयपुर किसी डॉक्टर साहब के रिलेटिव के घर रुकेंगे। ये देखो ये डॉक्टर साहब के रिलेटिव का घर है। सो गाइस फाइनली अपन पहुंच गए हैं घर, और ऊपर चलते हैं। अब तो ज़्यादा व्लॉगिंग हो भी नहीं, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो गाड़ी की हालत तो बहुत ही एकदम बेकार, गुंडी लग रही है गाड़ी एकदम पूरी। रही सफ़र मैं तो सो गया था रास्ते में। अच्छा गाड़ी चला के गुस्सा आ गया, मैं डेली चलाता हूँ तो ये तो है। तो भाई ये यहाँ पे भाई पूरा जयपुर है, बहुत तगड़ा इलाका भाई। एक पानी की बोतल। हेलो गाइस, पानी नहीं मिल रहा गाइस, क्या करें गाइस, जयपुर में अरेंज कराओ पानी दिलो। और तुम? मैं गाड़ी चला के लाई, देख भी नहीं रहा था मुझे। अब ये 10 जिंदगी यही गाऊंगी। सो गाइस ये व्लॉग यही एंड करते हैं भाई, मैं आते ही सो गया था, इतनी नींद आ रही थी। तो भाई कल वाला व्लॉग जरूर देखना, मीटअप का इतने मजे आए, और जयपुर में मैंने कुछ ऐसी चीजें करी, ऐसे दोस्त मिले, तो आपको देखने में मजा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे बड़े बड़े ट्रिप्स के व्लॉग में बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में।